लाल रंग की कार। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का 6 साल का लड़का अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ रहता था। गट्टू का एक बंटी नाम का दोस्त था जिसके पापा बहुत अमीर थे। वो हमेशा बंटी को नए नए खिलौने लाकर दिया करते थे, लेकिन गट्टू के मम्मी पापा बहुत गरीब थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गट्टू के लिए नए नए खिलौने ला सकें। इसीलिए गट्टू के पास सिर्फ एक पुरानी सी खिलौने वाली कार थी। एक दिन गट्टू स्कूल से लौट रहा था, तभी उसे अपने घर के पास एक बहुत सुंदर लाल रंग की खिलौने वाली कार पड़ी दिखाई दी। कार को देखकर उसने सोचा, अरे इतनी सुंदर कार, ये कार किसकी है? वो कार के पास गया और उसने कार उठा ली। फिर उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्यों ना इस कार को मैं ही रख लूँ, और जब कार वाला इसे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा तो मैं उसकी कार लौटा दूंगा। ये सोचकर वो कार को अपने साथ घर ले गया। अब गट्टू रोज स्कूल से आकर उस कार से खेलने लगा। धीरे धीरे गट्टू भी भूल गया कि ये उसकी कार नहीं है। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन गट्टू अपने घर के बाहर बैठा था, तभी वहाँ से दो लड़के चिंटू और पिंटू गुजर रहे थे। तुझे पता है पिंटू, मेरे पापा मेरे लिए एक लाल रंग की बहुत सुंदर कार लाए थे, लेकिन पता नहीं वो मुझसे कहाँ गुम हो गई। गुम गई? लेकिन कैसे? पता नहीं, मैं तो उसे लेकर इसी गली से अपने चाचा के घर जा रहा था। वहाँ पहुँचकर मैंने अपना बैग चेक किया तो मेरा बैग खुला हुआ था। फिर तो जरूर तुम्हारी कार कहीं गिर गई होगी। उन दोनों की बात सुनकर गट्टू समझ गया कि उसे जो लाल रंग की कार अपने घर के बाहर मिली थी वो चिंटू की थी। मैं तो भूल ही गया था कि एक दिन मुझे ये कार लौटानी पड़ेगी। फिर उसने दुखी मन से कार को उठाया और उसे लेकर चिंटू के घर की तरफ चल दिया। चिंटू के घर के पास पहुंचकर उसने देखा कि चिंटू अपने घर के बाहर बैठा बहुत सारी कारों से खेल रहा है। ये देखकर वो बोला, अरे इस चिंटू के पास तो इतनी सारी सुंदर सुंदर कारें हैं, और मेरे पास सिर्फ एक कार है, और वो भी इतनी पुरानी। अगर मैं इसे ये लाल कार ना भी दूं, तब भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये लाल कार मैं ही रख लेता हूँ। ये सोचकर वो उस कार को वापस अपने घर ले आया। उसी शाम उसके दादाजी हमेशा की तरह उसे स्कूल का होमवर्क करवा रहे थे। लालच करना बुरी बात है गट्टू, क्या तुम जानते हो लालच क्या होता है? नहीं दादाजी। लालच का मतलब होता है किसी और की चीज को अपना समझना। लेकिन दादाजी, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है और हम चाहते हैं कि वो चीज हमारी हो जाए, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई उस चीज को पाने के तरीके में होती है। वो कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले हमारे मन में लालच आता है, फिर उस लालच को पूरा करने के लिए हम गलत रास्तों को चुनते हैं, जैसे कि चोरी, और फिर उस छोटे से लालच की वजह से हम चोर बन जाते हैं। और क्योंकि सभी बुराइयों की शुरुआत कहीं ना कहीं लालच से होती है, इसलिए लालच सभी बुराइयों में सबसे बुरी है। दादाजी सही कह रहे हैं, लालच की वजह से ही मैंने चिंटू की कार अपने पास रख ली और मैं चोर बन गया। ये सोचकर वो तुरंत कार लेकर चिंटू के घर गया और उसने कार चिंटू को लौटा दी। इस तरह दादाजी की बातों से चिंटू को लालच का मतलब समझ आ गया, और फिर उसने कभी लालच में पड़कर कोई गलत काम नहीं किया। सच्ची दोस्ती। ये कहानी है नटखट गट्टू और उसकी बहन चिंकी की। एक बार गट्टू और चिंकी अपने घर के गार्डन में
खेल रहे थे कि तभी उन्हें एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कुत्ते ने भौंकना बंद नहीं किया तो चिंकी गेट के पास देखने गई कि आखिर में माजरा क्या है। क्यों भौंक रहे हो, क्या हुआ है? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो मैं बताता हूँ। रुको गट्टू, इस तरह किसी भी बेजुबान जानवर को मारना गलत बात है। चलो इसे अंदर लेकर चलते हैं। चिंकी प्यार से उसे घर के अंदर लेकर गई, उसका जख्म साफ किया, उसकी मरहम पट्टी की, पानी पिलाया और बहुत प्यार किया। अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और आज से हमारे साथ ही रहोगे। अरे लेकिन हम तुम्हें क्या कहकर बुलाएंगे? मोती, मोती कैसा रहेगा? हाँ, आज से हम सब तुम्हें मोती कहकर बुलाएंगे। ये हमारे साथ नहीं रह सकता, छी कितना गंदा है ये। गट्टू, नटखट गट्टू को ये बात अच्छी नहीं लगी। भला कोई किसी गंदे जानवर को कैसे इतना प्यार कर सकता है? बस यही ख्याल गट्टू के मन में चल रहा था। कुछ भी हो जाए मैं इस कुत्ते को यहाँ से भगा के ही दम लूंगा। चिंकी को मोती से इतना प्यार करते देख गट्टू का जलन के मारे बुरा हाल था, लेकिन नटखट गट्टू कहाँ रुकने वाला था। मोती घर से भाग जाए इसके लिए गट्टू शैतानी तरीके अपनाने लगा। अभी मजा चखाता हूँ बच्चू। जब जब गट्टू मोती को तंग करने की सोचता तब तब चिंकी आकर उसे बचा लेती। चलो मोती, शाम हो गई है, अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो। मोती को बाहर बंधा देख गट्टू को एक तरकीब सूझी। आज मैं तुझे ऐसी जगह छोड़ के आऊंगा जहाँ से तू कभी वापस आ ही नहीं पाएगा। मोती, गट्टू तुमने मोती को कहीं देखा? वो पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं नहीं तो मैं तो सो रहा था। चिंकी का रो रो के बुरा हाल था। गट्टू को चिंकी के लिए दुख तो बहुत था, लेकिन वो खुश था कि अब मोती चला गया था। रो मत चिंकी, हो सकता है मोती खुद कहीं चला गया हो। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और फिर उस रात घर में एक चोर घुस आया। बचाओ, बचाओ कोई। अरे ये कैसा शोर है? लगता है कोई बाहर मदद के लिए चिल्ला रहा है। गट्टू, गट्टू उठो, मैंने अभी अभी मोती की आवाज सुनी। सो जाओ, मोती नहीं आने वाला। अच्छा चलो चल कर देखते हैं। बचाओ मुझे इस कुत्ते से, कोई बचाओ। छोड़ो उसे मोती, लेकिन इसने तो कभी किसी का नुकसान नहीं किया, फिर कौन हो तुम? तभी गट्टू की नजर उसकी साइकिल पर पड़ती है जो जमीन पर गिरी पड़ी थी। मैं बताता हूँ, ये कोई चोर है, मेरी साइकिल चुराने आया था। क्यों, सही कह रहा हूँ ना, तुम चोर नहीं हो? अब इससे पहले कि मैं मोती को तुम पर वापस हमला करने के लिए छोड़ दूँ, चले जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो चिंकी। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे इसका घर में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं ही मोती को घर से दूर जंगल में छोड़कर आया था। लेकिन ये वापस कैसे आया? यही तो खास बात होती है इनकी, ये जिन्हें अपना दोस्त बना लेते हैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। जब तुम मोती को जंगल छोड़ आए तो वो खुद हमारे घर चला आया, और जब इसने चोर को अंदर घुसते देखा तो उसकी जम कर खबर ली। सही कहा चिंकी, हम सभी को इन बेजुबान जानवरों से सीखना चाहिए कि सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं। और इस तरह गट्टू को अपनी गलती का एहसास हो ही गया। उस दिन से गट्टू और मोती में अच्छी दोस्ती हो गई। गट्टू ने तो सीख लिया, अब है आपकी बारी। पेंसिल का कमाल। एक दिन चेतन के स्कूल में जादू का खेल हुआ। जादूगर ने बड़े अच्छे अच्छे करतब दिखाए। सब बच्चे करतब देख के चकित रह गए। जादू के खेल के बाद
जब सब घर जाने लगे तो चेतन को स्टेज के पास कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने पास जाके देखा। अरे वाह, कितनी सुंदर पेंसिल है। चेतन ने वो पेंसिल उठा ली और वो भी अपने घर चला गया। अगले दिन रविवार था। चेतन की माँ ने उसे होमवर्क करने के लिए कहा। चेतन बेटा, स्कूल का बहुत होमवर्क है, टीवी बाद में देखना, पहले होमवर्क कर लो। माँ, थोड़ी देर और बस। बिल्कुल नहीं, पहले होमवर्क। चेतन अनमने ढंग से उठा और अपनी बुक्स निकाल के होमवर्क करने बैठ गया। उसने अपने कंपस में से वही चमकीली पेंसिल निकाली। चलो आज इसी से होमवर्क करता हूँ। जैसे ही लिखने के लिए उसने पेंसिल को पेपर पे लगाया, पेंसिल गोल गोल घूमने लगी और उसके हाथ से छूट गई। फिर अपने आप पेंसिल पेपर पे चलने लगी। चेतन हक्का बक्का रह गया। अरे ये क्या। कुछ ही सेकंड्स में उस पेंसिल ने उसका सारा होमवर्क कर दिया। चेतन ने सारे आंसर्स मैच किए, सब सही थे। इस पेंसिल ने तो सारे आंसर सही लिखे हैं और हैंडराइटिंग भी बिल्कुल मेरे जैसी। तभी पेंसिल ने पेपर पर फिर से कुछ लिखा। ओह, तो ये जादुई पेंसिल है, अब तो बड़ा मजा आएगा। चेतन ने फटाफट उस पेंसिल की मदद से सारा होमवर्क खत्म कर दिया। माँ, मेरा होमवर्क हो गया, मैं टीवी देख रहा हूँ। इतनी जल्दी? हाँ माँ, आप चेक कर लो। माँ ने चेक किया, होमवर्क पूरा था। वो भी सोचती रह गई लेकिन कुछ नहीं बोल पाई। चेतन मन ही मन खुश हो रहा था। अरे वाह, इतनी जल्दी कर लिया, वेरी गुड। चेतन स्कूल में भी जादुई पेंसिल की मदद से सबसे पहले टीचर को सब सही सही लिख के दिखाने लगा। राइट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। चेतन ने मैजिकल पेंसिल की मदद से सबसे पहले उत्तर लिख लिए, लेकिन उसकी एक दोस्त वानी ये देख लेती है। मैंने लिख लिया टीचर जी। टीचर बहुत खुश हो गई। वेरी गुड चेतन। स्कूल के बाद वानी चेतन के पास आई और जादुई पेंसिल के बारे में बात करने लगी। चेतन, वो पेंसिल जादूगर अंकल की है, सबके जाने के बाद वो उसे ढूंढ रहे थे, तुझे वो पेंसिल लौटा देनी चाहिए। अरे ऐसे कैसे लौटा दूं, ये तो मेरे बड़े काम की है। चेतन ने वानी की एक नहीं सुनी। चेतन उस पेंसिल से रोज सारा होमवर्क और स्कूल वर्क करवाने लगा। स्कूल में चेतन की बहुत तारीफ होने लगी। चेतन बहुत अच्छी पढ़ाई करने लगा है, सब कुछ सही और फटाफट लिखता है। चेतन अपनी पेंसिल के साथ बहुत खुश था। धीरे धीरे स्कूल में परीक्षा का टाइम आ गया। परीक्षा से एक दिन पहले जब चेतन सो गया तो उसकी माँ उसका बैग जमाने लगी। अरे ये तो सो गया, कल परीक्षा है, इसके पास पेंसिल और रबर है कि नहीं। माँ ने देखा कि चेतन के कंपस में सिर्फ वही एक चमकीली पेंसिल है और वो भी बहुत छोटी हो चुकी है। अरे परीक्षा में इतनी सी पेंसिल से कैसे लिखेगा, राइटिंग भी अच्छी नहीं आएगी, मैं इसे नई पेंसिल दे देती हूँ। और माँ ने उस जादुई पेंसिल को खराब पेंसिलों के डिब्बे में रख दिया और एक नई पेंसिल चेतन के कंपस में रख दी। अगले दिन सुबह सुबह चेतन नाश्ता करके परीक्षा के लिए जाने लगा। माँ, मेरा कंपास। ये लो, और परीक्षा में सब कुछ अच्छे से और ध्यान से करके आना। हाँ माँ, चिंता मत करो, मुझे सब आता है। स्कूल में जैसे ही प्रश्न पत्र आया, चेतन ने बिना पढ़े ही उत्तर पुस्तिका निकाली और कंपास खोला। कंपास खोलते ही उसके होश उड़ गए, जादुई पेंसिल की जगह नई पेंसिल थी। ये कैसे हो गया, मेरी पेंसिल कहाँ गई, अब क्या करूँ। चेतन के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता था क्योंकि उसने पढ़ाई तो करना लगभग छोड़ ही दिया था। अब उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा और वो रोने लगा। क्या हुआ चेतन, क्यों रो रहे हो। चेतन ने रोते रोते टीचर को सारी बात बताई। मुझे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, मैं एक जादुई पेंसिल की मदद से सब सही करता था, मेरी पेंसिल खो गई है, अब मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ। टीचर बहुत नाराज हुई। ये तो तुमने बहुत गलत किया, मुझे तुम्हारी माँ और प्रिंसिपल के साथ बात करनी पड़ेगी। चेतन की माँ को बुलवाया गया।
और प्रिंसिपल के साथ उनकी बातचीत हुई। चेतन ने सबसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम ये वाला पेपर फिर से दे सकते हो, लेकिन सारे एग्जाम्स होने के बाद। थैंक यू सर। उस दिन चेतन को एक बात समझ में आई कि कभी भी किसी चीज का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, वरना हम किसी बहुत बड़े नुकसान में पड़ सकते हैं। उसके बाद चेतन ने वो जादुई पेंसिल जादूगर को लौटा दी और फिर कभी किसी की चीज चोरी छुपे अपने पास नहीं रखने की कसम खाई। धन्यवाद, मैं कब से इसे ढूंढ रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी किसी की चीज बिना पूछे अपने पास नहीं रखूंगा। फोन और गेम्स। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू को खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो रोज शाम को पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। मुझे पकड़ कर दिखाओ। लेकिन फिर एक दिन गट्टू के पापा ने उससे कहा, गट्टू, कंपनी ने मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में कर दिया है, इसीलिए हमें ये शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना होगा। लेकिन पापा, मेरे सभी दोस्त तो यहाँ रहते हैं। कोई बात नहीं, नई जगह पर तुम्हारे नए दोस्त बन जाएंगे। गट्टू को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो मान गया। ठीक है पापा। कुछ दिनों बाद गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ नए शहर में रहने आ गया। सारा घर संभालने के बाद जब अगले दिन शाम को वो पार्क में खेलने गया तो उसने देखा कि पार्क में कोई भी बच्चा नहीं था। वो सोसाइटी में आया और उसने एक घर की घंटी बजाई। एक बच्चे ने दरवाजा खोला। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम गट्टू है, क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? मैं खेल ही तो रहा हूँ। पर तुम तो फोन पर कुछ कर रहे हो। हाँ, मैं फोन पर फुटबॉल खेल रहा हूँ। लेकिन असली में खेलने में ज्यादा मजा आता है, इसलिए क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं, मुझे तो ऐसे ही मजा आता है, इसलिए मैं तो फोन पर ही खेलूंगा। ये सुनकर गट्टू को बहुत बुरा लगा। वो अगले घर में गया। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम गट्टू है, क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? नहीं, फुटबॉल, क्रिकेट, मैं सब कुछ फोन पर ही खेलता हूँ। फोन पर? हाँ, लगता है तुम्हें फोन और वीडियो गेम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। नहीं, मुझे नहीं सीखना, मुझे तो असली खेल खेलना ही अच्छा लगता है। मगर असली खेल खेलने से तो इतने थक जाते हैं और बहुत पसीना भी आता है, इसलिए मुझे तो फोन पर खेलना ही अच्छा लगता है। आराम से बैठकर खेलो, इससे कोई थकान भी नहीं होती। ऐसे ही एक एक कर गट्टू सोसाइटी के सभी घरों में गया और सभी बच्चों ने उसके साथ खेलने से मना कर दिया। हार कर गट्टू अपने घर लौट आया। जब उसके पापा ऑफिस से आए तो गट्टू ने उनसे कहा, पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ तो कोई खेलता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, खेलना तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ किसी को अच्छा नहीं लगता। तो बेटा, तुम उन्हें खेलने के लिए मनाओ। ठीक है, मैं बाहर पार्क में जाता हूँ। उसने आसपास देखा तो हमेशा की तरह पार्क में कोई बच्चा नहीं था। यहाँ तो आज भी कोई नहीं है। तभी उसने देखा कि दूर बेंच पर एक लड़की बैठी है। वो उसके पास गया। मेरा नाम गट्टू है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम चिंकी है, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। खेलना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, चलो हम दोनों खेलते हैं। लेकिन बाकी बच्चे भी हमारे साथ खेलते तो ज्यादा अच्छा लगता। तुम ठीक कह रही हो, चलो हम ही कुछ करते हैं। बाकी बच्चों को भी पार्क में लाने के लिए उन दोनों ने एक प्लान बनाया। फिर वो दोनों गट्टू के पापा के पास गए और उन्होंने उन्हें अपना प्लान बताया। पापा को बच्चों का प्लान बहुत अच्छा लगा। प्लान के अनुसार पापा ने सोसाइटी के सभी बच्चों को बुलाया और कहा,
मैंने पार्क में एक लेटेस्ट फोन को छुपाया है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं। जो उस फोन को पहले ढूंढ लेगा वो फोन उसका हो जाएगा। लेटेस्ट फोन की बात सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। वो फोन तो मैं ही ढूंढूंगा। नहीं, वो फोन पहले मैं ढूंढूंगा। और फिर सभी पार्क में यहाँ वहाँ भाग भाग कर फोन ढूंढने लगे, लेकिन किसी को फोन नहीं मिला। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए। अब सभी बच्चे थक कर पसीना पसीना हो गए। वो सभी एक साथ गट्टू के पापा के पास गए और बोले, अंकल आपने तो कहा था आपने पार्क में फोन छुपाया है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ अंकल, हमें कहीं भी बहुत सारे गेम्स वाला फोन नहीं मिला। तुम्हें गेम्स वाला फोन नहीं मिला, लेकिन तुम्हें गेम्स तो मिल गए। कौन से गेम्स? पार्क में खेलने वाले गेम्स। तुम सभी घर में फोन में गेम खेलते रहते हो और कभी भी पार्क में खेलने नहीं आते। इसलिए गट्टू के पापा के साथ मिलकर हमने तुमसे फोन के बारे में झूठ बोला था। लेकिन क्यों? भागने दौड़ने से हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है और हम जल्दी बीमार नहीं होते। इसीलिए हमें रोज पार्क में खेलना चाहिए। सभी बच्चे गट्टू के पापा की बात समझ गए। अंकल, हम बाहर खेलने का महत्व समझ गए। अब हम रोज शाम को पार्क में खेलेंगे, जिससे हमारी सेहत ठीक रहेगी और सबके साथ खेलने में मजा भी बहुत आता है।